स्वागत है आप सभी लोगों का महिंद्रा थार 5 डोर के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात करेंगे थोड़े बहुत चेंजेस इसकी प्राइसिंग के अंदर आए, जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिले, जिसके बारे में डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात होगी। और भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं जिनके बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। महिंद्रा थार 5 डोर की स्पेसिफिकली इसके टर्म्स एंड जो भी मतलब इन टर्म्स ऑफ फीचर्स वगैरह जो भी चीज़ें थी, वेरिएंट्स वगैरह थी, उन सब के बारे में हमने डिटेल में पहले भी बात कर रखी है। अगर आपने वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देखी तो एक और मौका है, ये वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट मिल जाएगी, इंक्लूडिंग दी लेटेस्ट अपडेटेड या फिर रिवाइज इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो ये चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ में होगी, और उसके बाद आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डाउन करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस जानने के बाद हो सकता है आप शॉक हो जाओ, तो इसी वजह से मैं पहले भी बोल रहा हूँ। इंजन एंड गेयरबॉक्स ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, तो इस गाड़ी के साथ में आपको 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन और 2 लीटर का एमस्टॉलेन पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। मतलब इस गाड़ी के साथ में पेट्रोल डीजल दोनों आएंगे, वो पहले से तय हो चुका था। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर दोनों ही इंजन के साथ में दिया जाएगा, ये भी ऑलमोस्ट कन्फर्म था पहले से। लेकिन बात रही जो ड्राइव ट्रेन होती है, या फिर स्पेसिफिकली बात करें बॉडी ऑन फ्रेम, जो भी चीज़ें वैसी ट्रेन की मैं बात करूँ, ड्राइव ट्रेन की बात करें, वहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलेगा, 4x2 और 4x4 दोनों, मतलब तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अक्रॉस द ऑप्शन वाइज आपको उस हिसाब से वेरियंट्स नज़र आएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंजन भी मोर देन इनफ है आपको, इसके साथ में वेरिएंट्स भी बहुत सारे मिलेंगे जिसके बारे में अभी आगे बढ़ के बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बात की जाए लॉन्च वेरिएंट्स एंड फीचर्स की, लॉन्च की बाद में बात करते हैं, वेरिएंट्स की बात करें, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये सारी चीज़ें होगी, इसी वजह से वेरिएंट की बात कर रहे हैं। अभी देखो 4x2, 4x4 रियर व्हील ड्राइव, 4x2, 4x4 सारी चीज़ें आने वाली है, तो इसके साथ में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे, और ऑप्शंस उन लोगों को देने पड़ेंगे क्योंकि इतने सारी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। तो इस वजह से वेरिएंट्स आप मतलब ऑटोमेटिकली आपके लिए एज एन ऑप्शन वहाँ पे खुल जाएंगे। लेकिन बात रही फीचर्स की, तो वेरिएंट्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि बहुत सारे मिलेंगे, नंबर्स ऑफ वेरिएंट्स अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन फीचर्स की बात रही तो वो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी अगेन मैं अभी आपको प्राइसिंग बताऊंगा, उसके बाद आप गेस करके कमेंट डाउन करके फीचर्स बता सकते हो हमें। बाकी थोड़े बहुत मैं आपको बता दूँ तो ड्यूअल पेन की सनरूफ आने वाली है, वो थोड़ा बहुत कंफर्म हुआ है, अभी तक 50-50 आप मान सकते हो, लेकिन ये एक क्लू था। बाकी तो आप बताओ, लॉन्च और प्राइस की अगर हम बात करें तो 15th of August 2024 ऑलमोस्ट कंफर्म है, फिक्स ही है ये तो। प्राइसिंग जहाँ पे चेंज है, 16 to 22.7 lakhs एक्स शोरूम जा चुकी है, पहले 22 के अराउंड थी, जो कि ऑलमोस्ट 23 lakh एक्स शोरूम जा रही है। अभी प्राइसिंग की बात करें तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे जाएगी, ये सभी लोगों को बताए, क्योंकि ये तो एक्स शोरूम या फिर इंट्रोडक्टरी प्राइस है, इसके साथ में कुछ एडिशंस वगैरह अगर ये लोग देते हैं, जैसे अर्थ एडिशन हो गई तो ब्ला ब्ला ऐसी मतलब एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें वो लोग देंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी ऑलमोस्ट 26 लाख तक जाएगी। तो ये बजट पे क्या लोग खरीदना पसंद करेंगे इसको, या फिर जाएंगे किसी और ऑप्शन के साथ में, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इंडियन मार्केट के अंदर आज की डेट पे मौजूद है, तो ये देखने वाली चीज़ होने वाली है। बाकी इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, प्राइसिंग को देखने के बाद आप कमेंट डाउन करके हमें बताना कि आपको क्या लगता है। तो यही टाइम है अभी, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, अगर आपके पास 26 का बजट है तो आप क्या करोगे। बाकी फीचर्स की बात रही, मैंने बता दिया सनरूफ तो आने ही वाली है, लेकिन थोड़ा बहुत और भी बता देते हैं। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा, बड़ी सी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगी, नॉट लाइक द XUV700 या फिर स्कॉर्पियो है, थोड़ी सी डाउनग्रेडेड होगी, हालांकि वहाँ पे फीचर्स वगैरह अच्छे खासे दिए जाएंगे। कनेक्टेड कारटेक की जो फीचर्स है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन गाड़ी के अंदर थोड़ी सी रगेडनेस आपको नज़र आएगी, वेदर इट इज़ द एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर, वहाँ पे दोनों ही जगह पे आपको थोड़ी सी रगेडनेस नज़र आएगी, वो पुराने थार वाले कैरेक्टर नज़र आएंगे, तो ये चीज़ वो लोग बरकरार रखने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना था, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, सब्सक्राइब करके अभी हमारी ऑटो एंथुजियास्ट फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।